थोड़ा ऊपर. दिस इज माय फ्रॉस्टेड ग्लासेस आर फ्रॉस्टेड विद ग्लास. बताइए बताइए, बोलो बोलो. हाँ, शाहरुख सर ब्लेस करने आए हैं हमें और उनके एसोसिएशन अनुभव सर के साथ पहले रह चुकी है और ही इज़ रियली प्राउड ऑफ द फिल्म आई एम श्योर, क्योंकि उनको ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा. फिल्म देखेंगे, बताते हैं कैसा कैसी लगेगी उन्हें. जी आप बताइए, आप क्या मानते हैं एज एन एक्टर, आपको इस फिल्म का पार्ट? आई थिंक ऑफकोर्स टैक्स भी किए जाने चाहिए, क्योंकि ये वाली फिल्म जितने लोगों तक पहुँचे उतना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैसेज जो है ये कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है, कोई एंटरटेनिंग फिल्म ऐसे नहीं है, क्योंकि ये एक ग्रिम सब्जेक्ट पे बेस्ड है और जितने भी लोगों तक पहुँचे उतना बेहतर है, इसलिए टैक्स भी तो होनी चाहिए. और हम आपके वो पुलिस वाले के गेटअप की बात कर रहे हैं. जी आई थिंक आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर पीपल हुआ इन यूनिफॉर्म और पुलिस वालों की बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में. और इस फिल्म के अंदर जब भी मैंने पुलिस का कॉस्ट्यूम पहना था कॉस्ट्यूम ट्रायल में, तो एक सेंस ऑफ पॉइज आया था, एक और आया था मेरे आसपास जो मुझे खुद फील हो रहा था. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू बेस्ड फिल्म और इशू के साथ मैं बिलीव रखता हूँ, इसलिए मैं वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट भी रखता हूँ मोर देन पुलिस ऑफिसर ऑल्सो इन द फिल्म. जी हाँ, 28 जून को रिलीज़ हो रही है आर्टिकल 15. प्लीज़ वॉच द फिल्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलेवेंट और बी द ट्रिगर टू द चेंज. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइज. थैंक यू. थैंक यू. Hey, man.